हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डीप नेक पे आर्म होल, शोल्डर और नेक विड्थ कितनी रखते हैं इसको जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पेपर पे अपना डीप नेक के अकॉर्डिंग चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने चेस्ट को लिख लिया है और देखिए यहाँ पे अपना शोल्डर भी हम लिख लेते हैं। ये हमारा शोल्डर रहेगा और यहाँ पे हमारा आर्म होल रहेगा फ्रेंड्स। और देखिए हमारी नेक विड्थ रहेगी, नेक की चौड़ाई गले की, और यहाँ पे हम गले की लंबाई रखेंगे। इस तरह से हमने देखिए यहाँ पे इसको मेजर करके लिख लेना है। अब देखिए फ्रेंड, अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग हम कितना शोल्डर, आर्म होल और नेक विड्थ रखेंगे इसको जानेंगे। तो देखिए 30 चेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड, लगभग हमारा ब्लाउज 30 चेस्ट से ही शुरू होता है। अगर आप 28 चेस्ट का बनाना चाहें तो आप 28 चेस्ट में 4.5 इंच शोल्डर को रख सकते हैं और 5 इंच आर्म होल को रखेंगे फ्रेंड। तो देखिए हमने यहाँ से 30 इंच से ही शुरू किया है। यहाँ पे हमने अपना ब्लाउज 30 इंच से मेजर किया है फ्रेंड्स। तो देखिए 30 इंच के अकॉर्डिंग हम कितना शोल्डर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 30 चेस्ट के अकॉर्डिंग 5 इंच का शोल्डर लिया है और 5 इंच ही हम आर्म होल भी लेंगे। और नेक विड्थ हमारी यहाँ पर 2 इंच रहेगी फ्रेंड। नेक की लेंथ 10 इंच के अकॉर्डिंग हमने इसको मेजर किया है। जैसे जैसे हमारा गला डीप होता जाता है, हमारा शोल्डर आर्म होल और भी कम होता जाता है फ्रेंड्स। तो हमने देखिए इससे इसमें जो मेजरमेंट किया है इसे अपने 10 इंच के गले के अकॉर्डिंग ही किया है। तो देखिए हमने 32 और 30 चेस्ट के अकॉर्डिंग अपना शोल्डर आर्म होल सेम रखा है और गले की चौड़ाई भी हमने 2 इंच ही रखी है। और देखिए 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने अपना शोल्डर 5 इंच लेना है, आर्म होल 5.5 इंच लेंगे फ्रेंड। गले की जो चौड़ाई हमारी नेक विड्थ उसे हम 2 या 2.25 इंच भी रख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड 30, 32, 34, 36 तक हमारा जो चेस्ट होता है नॉर्मल में ही आता है। तो देखिए 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी अपने शोल्डर और आर्म होल को 5, 5.5 भी रख सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए हमने यहाँ पे 5.5 इंच शोल्डर लेना है, 5.5 इंच ही हमारा आर्म होल भी रखेंगे। आप इसको ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जिससे आपका गला डीप होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल शोल्डर कम भी होता जाएगा। तो ये हमने अपने 10 इंच गले के अकॉर्डिंग अपना आर्म होल शोल्डर रखा है। 38 चेस्ट में देखिए फ्रेंड 5.5 इंच शोल्डर रखेंगे, आर्म होल हमने देखिए यहाँ पे 6 इंच रखना है 38 चेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। और गले की चौड़ाई जो रहेगी वही 2.5 इंच रहेगी 10 इंच गले के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे 40 और 42 चेस्ट को हम मेजर कर लेते हैं। तो 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए शोल्डर को हम 6 इंच रखेंगे 10 गले की लंबाई के अकॉर्डिंग और आर्म होल को 6.5 रखेंगे। अगर आप गले को और डीप बनाना चाहते हैं तो शोल्डर आर्म होल को कम भी कर सकते हैं। आप अपना शोल्डर 6 और आर्म होल 5.5 इंच रख सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए गले की चौड़ाई अभी हमने यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे हमने 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग गले की चौड़ाई को 3 इंच रखना है। 40, 42, 44 तक अपने गले की चौड़ाई 3 इंच ही रखेंगे। देखिए 42 का भी हमने 6 इंच लेना है आर्म होल और शोल्डर, आर्म होल 6.5 इंच, शोल्डर 6 इंच फ्रेंड। और गले की चौड़ाई देखिए 3 इंच हमने मेजर की है। इस तरह से 44, 46 में हम 40, 42, 44, 46 का फ्रेंड एक ही मेजर रखते हैं मेजरमेंट। आप इसे विशेष ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये हमारा गला 10 इंच की लंबाई के अकॉर्डिंग है। आप जैसे जैसे अपना गला बढ़ाएंगे आप शोल्डर और आर्म होल को कम भी कर सकते हैं। गले की चौड़ाई हमारी उतनी ही रहेगी, आप शोल्डर आर्म होल कम करेंगे तभी हमारी गले की चौड़ाई इतनी ही रहेगी। और देखिए यहाँ पे मैंने 6.5 इंच शोल्डर को रखना है, 6.5 इंच आर्म होल को रखना है, 3 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे। अड़तालीस और 50 चेस्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स हम शोल्डर 6.5 इंच ही रखेंगे और आर्म होल यहाँ पे हम 7 इंच लेंगे। देखिए इस तरह से 10 इंच डीप नेक गले के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। अगर आपका गला 10 से ज़्यादा होगा तो आप आर्म होल और शोल्डर को कम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमने सारा मेजरमेंट कर लिया 10 डीप नेक के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा गला बढ़ता जाता है हमारा शोल्डर कम होता जाता है फ्रेंड, शोल्डर के अकॉर्डिंग आर्म होल भी कम हो जाएगा। और जैसे हमारा गला जितना हमारा गला छोटा होता है, गले छोटे गले के अकॉर्डिंग हमारा शोल्डर आर्म होल ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हमने अपना शोल्डर आर्म होल मेजर कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, और अच्छे समझने के लिए अपने ब्लाउज पे देख लेते हैं। तो हमने ब्लाउज ले लेना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे अपने बैक पार्ट के साइड रखा है। और देखिए हम इसमें अपने गले की लेंथ को मेजर करते हैं। यहाँ पे हमारा गला 10.5 इंच है, इसके अकॉर्डिंग अपने हमने अपना आर्महोल और शोल्डर 6 और 6.5 इंच रखा था फ्रेंड्स। और देखिए जैसे हमारा गला और डीप होता जाएगा, आर्महोल शोल्डर हमारा कम हो जाएगा फ्रेंड। और देखिए अपने आर्महोल को स्लीव राउंड के अकॉर्डिंग रखते हैं। अगर हमारा स्लीव राउंड कम होगा और आर्महोल ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड, तो फिटिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी और फिटिंग की सिलाई सीधी अच्छी लगती है। अगर आपका परफेक्ट आर्महोल और शोल्डर कटा रहेगा फ्रेंड, तो फिटिंग की सिलाई एकदम सीधी आती है और तभी हमारा ब्लाउज परफेक्ट बैठता है। इस तरह से देखिए हमको अपने ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। इसमें फ्रेंड्स हमने अपना आइडिया बताया है, अपने अकॉर्डिंग अपने ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना ब्लाउज कट करते हैं, हमारा ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग के साथ बैठता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा और कहाँ समझ में नहीं आया कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं आप उसे भी कमेंट करिएगा। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।